अच्छा जी, अगेन मैं दोबारा थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए लाइक मात्र बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर प्रॉपर मोड में, ठीक है। ये सारे 6 या 7 जो कंपोनेंट्स हैं, ये अगर आपकी डाइट में प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हैं तो उस डाइट को आप क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। अब इसमें ये याद रखिएगा, बैलेंस डाइट को कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको सेपरेटली हमने डिस्कस करना है। कार्बोहाइड्रेट को सेपरेटली डिस्कस करना है, प्रोटीन्स को सेपरेटली करना है, हर एक पे 5-5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और ये मैंने जैसे बताया कि बायो मॉलिक्यूल का टॉपिक भी आपका इसमें कवर होगा। तो पहले मैं ना कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें हम पूरा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, उनकी केमिस्ट्री क्या है, उनकी टाइप्स कितनी होती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये चीज जरा प्लीज आप जेन में रखिएगा। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज। जस्ट 1 मिनट। नहीं अच्छा, मम्मी आप कार्बोहाइड्रेट्स सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, लिख लें। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स Which contain कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। अगली बात याद रखिएगा कि द रेशियो व्हाइल इन कार्बोहाइड्रेट्स रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, दैट्स इट। ये अब इसकी डेफिनेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने रेशियो क्या होती है, 2:1 की। हमेशा जितने हाइड्रोजन होंगे उससे हाफ ऑक्सीजन होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी फेमस एग्जांपल है ग्लूकोज। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अब आप देखें कि जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ ऑक्सीजन, 12 और 6, 2 और 1 की रेशियो बनती है। इसी तरह कोई और एग्जांपल भी ले ले, सुक्रोज, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। यहाँ पे भी आप देख लेंगे 22 और 11 हाफ रेशियो है, 2:1 की रेशियो है। तो इट मींस दैट कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आप लेंगे उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो 2:1 की होगी, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीन एलिमेंट्स पाए जाएंगे, चौथा एलिमेंट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नहीं होगा। इसे तो क्लियर। अच्छा, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब है कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप्स। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो फूड है उसमें 60% जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए। आवर डेली डाइट शुड कंटेन 60% कार्बोहाइड्रेट्स।
एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट. दे कंटेन बैलेंस डाइट शुड कंटेन और द डेली डाइट शुड कंटेन 60% कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, 20% प्रोटीन होनी चाहिए, 10% फैट्स होनी चाहिए और 10% रिमेनिंग कंपोनेंट्स होनी चाहिए. ये रिकमेंडेड कंपोजिशन में बता रहा हूं कि डेली डाइट के लिए 60% कार्बोहाइड्रेट्स, 20% प्रोटीन, 10% फैट्स और 10% रिमेनिंग कंपोनेंट्स. अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते हैं सैकराइड्स. ये याद रखिएगा, इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं सैकराइड्स. सैकराइड्स असल में एक ग्रीक जुबान का वर्ड है और इसका मतलब होता है शुगर, शुगर्स, यानी शुगर मीन वो चीज जिसका टेस्ट क्या हो, स्वीट हो. तो आमतौर पे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सैकराइड का वर्ड यूज किया जाता है. ये सैकरम एक वर्ड है, सैकरम, SACHRUM, ग्रीक जुबान का वर्ड है, वहां से ये वर्ड निकला है और इसका मीनिंग होता है स्वीट, वो चीज जो स्वीट हो. अच्छा, अब जरा गौर करें, कार्बोहाइड्रेट्स की तीन टाइप्स होती है बच्चों, तीन टाइप्स. इसमें एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स, एक इसकी टाइप है मोनोसैकेराइड्स, इसके अलावा इसकी एक टाइप है डाइसैकेराइड्स, और इसकी एक टाइप है पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड्स. So carbohydrates can be classified into mono, di and polysaccharides. Okay, ये इनके तीन types हैं, monosaccharides, disaccharides and polysaccharides. अब इनके हवाले से हम पढ़ेंगे इनमें क्या डिफरेंस हो, इसको जरा प्लीज नोट कर लें, ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं. मोनो, डाई और पॉली. अब हम जरा गौर करें, सैकराइड का वर्ड सबके साथ है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्रीक जुबान में क्या कहते हैं, सैकराइड्स. अब इनमें फर्क क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. मोनो मींस सिंगल, ठीक है, मोनो का मतलब होता है सिंगल. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर सिंपलेस्ट form of carbohydrates. ये बच्चों carbohydrates की simplest forms कहलाती हैं. जितने भी monosaccharides होंगे वो होंगे simplest form of carbohydrates. यानी they cannot be further broken down into simpler form. Monosaccharides are those carbohydrates which cannot be further broken down into smaller carbohydrates. They are the simplest one. दूसरी बात ये याद रखें, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल. ये बच्चों वाटर सॉल्युबल होंगे, वाटर में डिसॉल्व होंगे एंड ऑल आर स्वीट, स्वीट इन टेस्ट. और ये स्वीट इन टेस्ट हो, ठीक है, स्वीट हो, यानी इनका जायका जो है वो मीठा होगा. तो ये चीज आपने याद रखनी है मोनोसैकेराइड्स के हवाले से कि मोनोसैकेराइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अब इनकी अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीन एग्जांपल आ जाती है मोनोसैकेराइड्स, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. ग्लूकोज फलों में होती है, फ्रूट्स में, फ्रुक्टोज हनी में होती है, आप देखते भी जाएं तो आ सकता है, और गैलेक्टोज होती है मिल्क में, मिल्क के अंदर. सो गैलेक्टोज इज प्रेजेंट इन मिल्क, ये चीज आप याद रखिए. देन आगे चलते हैं डाइसैकेराइड्स.
डाई का मतलब है टू, ठीक है टू। इसका मतलब है भाई कि अगर दो मोनोस्ट्रेट आपस में मिले तो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, डाइस्टेट्स। तो आप लिख लें कि डाइस्टेट्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू कंडेंसेशन, CONDENSATION। कंडेंस का मतलब होता है कंबाइन करना, मिलना। कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोस्ट्राइड्स ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोस्ट्राइड्स। तो बच्चों वो मॉलिक्यूल्स जो दो दो मोनोस्ट्राइड्स के जुड़ने से बनेंगे उनको हम बोलेंगे डाइस्ट्राइड्स, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको ऊपर यहाँ पे, जैसे ये C6 H12 O6, ये अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको ग्लूकोज का, ये एक मोनोस्ट्राइड है। इसी तरह एक मोनोस्ट्राइड और है C6H12O6, ये फ्रुक्टोज है। अब आप कहेंगे दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो इनका फॉर्मूला सेम है लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो आपके साथ ये प्रोडक्ट जो बनेगी C12H22O11 प्लस वाटर H2O। अब ये बन गया सुक्रोज। अब बच्चों चूंकि सुक्रोज जो है ये दो मोनोसेक्रेट्स के कॉम्बिनेशन से बना है तो उस सुक्रोज को आप क्या बोलेंगे, डाइसेक्रेट्स। क्या बोलेंगे, डाइसेक्रेट्स। तो डाई मीन्स कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोस्ट्राइड्स के कॉम्बिनेशन से बने। जब भी कोई भी दो मोनोस्ट्राइड्स आपस में कंबाइन कर जाएं तो उनके कॉम्बिनेशन की वजह से जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको हम डाइसैकेराइड बोलते हैं। अच्छा डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल में माल्टोज भी आता है, लैक्टोज भी आता है और सुक्रोज भी आता है। माल्टोज फलों में होता है और लैक्टोज जो है वो मिल्क में होता है, और जो आपका सुक्रोज है वो शक्कर है, शुगर क्या है उसमें पाया जाता है, ठीक है। तो अब अच्छा अब ये याद रखें जो प्रॉपर्टीज मोनोसेक्राइड्स की हैं तकरीबन वही प्रॉपर्टीज डाइसेक्राइड्स की हैं। नोट कर लें, डाइसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सॉल्युबल, दे आर आल्सो स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सॉल्युबल। जितने भी डाइसेक्राइड्स होते हैं वो स्वीट होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अच्छा ये चीज भी आपने याद रखनी है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं शुगर्स, इनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है शुगर्स, क्योंकि इनका टेस्ट डेफिनेटली क्या होता है, स्वीट होता है, तो इसके लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, शुगर्स। लैक्टोज मिल्क शुगर है, यानी दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज। अच्छा इसके बाद आ गया बच्चों पॉलीसेकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, यानी जब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स आपस में मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर जाएं तो जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि अ कार्बोहाइड्रेट विच इज जनरेटेड या फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोस्ट्रक्चर्स। कार्बोहाइड्रेट्स विच आर जनरेटेड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोस्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स। लार्ज नंबर ऑफ मोनोस्ट्रक्चर्स के कॉम्बिनेशन से बने तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसेकेराइड। पॉली मींस मैनी। अच्छा अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज के, C6H12O6, एन मीन्स लार्ज नंबर, बहुत सारे, यानी मे बी थाउजेंड्स, मे बी मोर देन थाउजेंड्स। तो आप जरा गौर कीजिएगा बच्चों, जब ये एन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो C6
एच टेन ओ फाइव, ये एक मॉलिक्यूल बनता है प्लस वाटर एच टू ओ। ये क्या बन गया, ये बन गया स्टार्च। अब जरा गौर करें बच्चों, ये ग्लूकोज के एन मॉलिक्यूल्स मिले बहुत सारे, तो ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। इसके बाहर एन मॉलिक्यूल नहीं आया क्योंकि तो बहुत सारे यूनिट जुड़ गए, पर साथ में वाटर के एन मॉलिक्यूल्स, एन का मतलब है हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल्स यहां से रिलीज हुए। तो ये जो स्टार्च बना है ये क्या चीज है, पॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कंबाइन करने की वजह से बना। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन, ये चार मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये अब याद रखिएगा, दीज आर पॉलीसेकेराइड्स। ये पॉलीसेकेराइड्स क्यों है, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, हजारों सैकड़ों मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं फिर बड़ा मॉलिक्यूल बन। याद रखें स्टार्च फलों में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर होता है, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन की फॉर्म स्टोर होते हैं, सेलुलोज प्लांट्स की सेल वॉल में होता है, और काइटन जो होता है वो फंगस की वॉल में होता है, फंजाई की सेल वॉल में। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज भी हैं ये जो मैं बोल रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, अच्छा ये बच्चों याद रखिएगा कि इनको हम बोलते हैं नॉन शुगर्स, यानी के जो पॉलीसेकेराइड होते हैं ये नॉन शुगर होते हैं। कितने, दो पॉइंट्स नोट कर लें, दे आर वाटर इनसॉल्युबल एंड दे आर टेस्ट लेस। एक तो ये वाटर इनसॉल्युबल है और दूसरा ये टेस्ट लेस, इनका कोई टेस्ट नहीं। ठीक है, ये प्लीज नोट कर। अच्छा, ये हो गया बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स के हवाले से। एक वर्ड यूज होता है, मैंने कहा वो आप कंफ्यूज ना हो जाए, कभी पेपर में वर्ड आया ओलिगोसेकेराइड्स, वो क्या होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। व्हाट आर ओलिगोसेकेराइड्स, अच्छा बच्चे कहानी इस तरह से है कि जो बायोकेमिस्ट होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट के लिए मोनोसेकेराइड कंपाउंड यूज करते हैं, अगर दो मॉलिक्यूल जुड़े तो डाइसेकेराइड, तीन जुड़े तो उसके लिए वो यूज करते हैं वो ट्राइसेकेराइड, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, फिर हेप्टा, ये पूरी 10 गिनती है। अब बजाय इस तरह का नाम यूज करने के उन्होंने एक अलग से टर्म बना ली, ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 3 से 10 कार्बोहाइड्रेट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मोनोसेकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से। लिख लें, ओलिगोसेकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर जनरेटेड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ 3 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 3 से 10 मॉलिक्यूल्स, 3 से 10 मोनोसेकेराइड्स तक जुड़े तो उसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे आप, ओलिगोसेकेराइड, और अगर 10 से ऊपर हो जाएंगे तो फिर आप वर्ड यूज करेंगे पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो 2 के लिए डाई, 1 के लिए मोनो, 3 से 10 के लिए ओलिगो, और 10 से ऊपर के लिए पॉलीसेकेराइड्स। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और ये भी वाटर सॉल्युबल। स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सॉल्युबल, यानी ओलिगोसेकेराइड्स भी स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। एक मैं किसी भी एग्जांपल दे दो ताकि हम स्कूल में आ सकता है। एक कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम होता है रेफिनोज, क्या है ये आपने याद रखना है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इट्स एन एग्जाम्पल, रेफिनोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना एक वर्ड और आपके डेफिनेशन पता होना चाहिए, जो मोनोसाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो एक बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये नोट करना, मैं आपको ना डायग्राम के जरिए से समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये एक
मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में छह या पांच कार्बन होते हैं, ये छह कार्बन, एक दो तीन चार पांच छह, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और एक ये है। ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर है और छठा कार्बन ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये बच्चों ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ठीक है। अब मैं जोड़ने लगाऊंगी, जब ये जुड़ेंगे ना तो ये चीज बनेगा, ठीक है। अब ये याद रखे, ये बन गए। अब ये जो बॉन्ड बना है ना, ये वाला बीच में, ये इसने क्या किया बड़ा, दोनों को जोड़ दिया है। इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है, तो आप सिंपली कहेंगे ये वो बॉन्ड है जो दो मोनोसेकेराइड्स को जोड़ता है, एंड दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स। इज इट ओके, क्लियर? दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड्स। अब अगर जब पॉलीसेकेराइड बनते हैं तब भी यही बॉन्ड बनते हैं, ये बॉन्ड एक्सटेंड होते जाते हैं, यानी बहुत सारे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा मोनोसेकेराइड्स के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं, आपको यह चीज ध्यान में रखनी है। ये हो गया जी टाइप्स, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सोर्सेज की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, ये सोर्सेज में अक्सर सोर्सेज आपको पता है, जैसे हनी है, ट है, राइस है, फ्रूट्स हैं, एंड सम वेजिटेबल्स। सो दीज आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? दीज आर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्सेज हैं, जो आप डेली फूड में लेंगे तो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं होगी। अच्छा, अब इसकी पिक्चर भी ले लें आप लोग, हमें बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स ओके, क्लियर? ठीक है, मैं इसको रब कर दूं। चलो अब है व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कि क्यों ये हमारी बैलेंस डाइट का पार्ट एंड पार्सल है, और मतलब ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये चीज भी ध्यान में रखना है कि क्यों रिकमेंडेड है 60% हमारी डाइट। तो सबसे पहली बात याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो 4.18 कैलोरीज आपको एनर्जी मिलती, सो दे गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी। इफ यू टेक 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू विल गेट 4.1 to 4.2 कैलोरीज आवर्स, राइट। सेकेंडली, कार्बोहाइड्रेट्स आर इजीली डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी,
They are easily digested in human body because their digestion system is very digestive steps are very simple. आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, तो ये जल्दी डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमें फौरी एनर्जी प्रोवाइड करती है, फौरी इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, फौरी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स जो है, फौरी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जल्दी डाइजेस्ट होगी। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स प्ले वाइटल रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। इसके बाद हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, याद रखें आपकी बॉडी में जो डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब है डीएनए एंड आर, तो इनकी फॉर्मेशन में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ये नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन They are involved in making supporting structures in plants. ये पौधों में supporting structure बनाने में help करते हैं, जैसे cell wall, cell wall एक supporting structure है जो पौधों को प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, तो कार्बोहाइड्रेट उसमें हेल्प कर रहे हैं, सेलुलोज होती ही कार्बोहाइड्रेट है। और इसके अलावा ये है कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प इन मेकिंग लुब्रिकेंट्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में ये लुब्रिकेंट्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। लुब्रिकेंट्स ऐसे लिक्विड होते हैं जो हमारे जॉइंट्स को पैसिफाई करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं ताकि हमारे जॉइंट्स आसानी से मूव कर सके, तो कार्बोहाइड्रेट्स लुब्रिकेंट्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो प्लेइंग एसेंशियल रोल इन सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, ये सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो इट मींस दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, सो दे आर प्लेइंग वाइटल रोल्स, ठीक है, फॉर ह्यूमन राइट। सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। आप इसको दो चार पांच मिनट पढ़ें, फिर आगे हम प्रोटीन्स पढ़ते हैं, ठीक है। Thank you.